भाई मेरा नाम अहमद है, मेरे भतीजे का नाम इमरोज पटेल है, मुकामी तांडूर के रहने वाले थे। यहाँ पर सॉफ्टवेयर कंपनी आईटी कंपनी में एम्प्लॉय थे। इनका कुछ 1 साल 2 साल पहले एक रिलेशन में एक लड़की अनुष्का अग्रवाल बोल के लड़की से रिलेशन था, और दोनों लिविंग रिलेशन में फिश बिल्डिंग के अपोजिट अपार्टमेंट में रह रहे थे लोग। तो फिर 2-3 महीने से हमारे को तो नहीं मालूम है, ये लोग सेपरेट रह रहे हैं, कई सालों से रहते थे। अब कल अचानक उनके दोस्त का श्रीकांत कृष्णा को फोन आया कि ऐसा इमरोज डोर नहीं खोल रहे हैं, आप देखो फोन नहीं उठा रहे हैं। बोले तो इन्होंने जब गए स्पॉट पे, डोर खोले तो बच्चा हैंगिंग पोजीशन में था। फिर वहां से पुलिस स्टेशन राजनगर को रब्ता करके हम आके यहाँ पर बताए, फिर वहां से उस्मानिया को लेके गए। अब ये हमारे को तो ऐसा दिख रहा है ये मर्डर है ये, क्योंकि जो डेड बॉडी जो पोजीशन में थी, बच्चे के पैर जमीन पे टच हो रहे थे और कुछ मार्क निशान नहीं है बॉडी में। तो हमारे को तो डाउट है कि बच्चे का मर्डर कर दिए के लगा दिए से है। अब बस हमारे को सीपी साइबराबाद से हमारे को यही इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे को इंसाफ होना। अब इससे पहले भी 2 बार अटेम्प्ट करे बोल के नहीं, बच्ची डरा रही थी, 2 बार अटेम्प्ट करेंगे बोल के बच्चे को डरा रही थी। और इन अटेम्प्ट बोल तो जस्ट माइनर हाथ वाथ काट लिए थे, अटेम्प्ट सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करे थे, लेकिन इस बार तो फाइनल सुसाइड है बोल के बोल रहे हैं। वो भी हमारे को डाउट है, क्योंकि बच्चा हमारा बहुत स्ट्रांग था और फैमिली मेंबर था और फैमिली को लेके चलता था और घर का बड़ा बच्चा था, 2 बहना 3 बहना है, सबके बहनों के शादियां करा, जिम्मेदारी जिम्मेदार बच्चा था ये ना इंतहाई ये कदम नहीं उठा सकता था बच्चा। लेकिन हमारे पूरे फैमिली वालों को सबको यही डाउट है कि ये बच्चे का मर्डर करके उसको बोले सो हैंगिंग पोजीशन में लटका दिए। हमारे को बस यही रिक्वेस्ट है सीएम रेवंत रेड्डी सर से, सीपी साइबराबाद सर से, हमारे को इंसाफ होना साहब। आए दिन ये होते जा रहे, यहाँ पर ये फ्लैट में उन्होंने 1 साल भर 8 महीने साल भर से रह रहे थे उन्होंने, और इन्हों भी जॉब करता था, वो बच्ची भी जॉब करती थी। बच्ची वर्क फ्रॉम होम जब रहता था हमारे भतीजे के साथ रहती थी इमरोज पटेल जो है, और जब ऑफिस का ऑफिस से वर्क फ्रॉम ऑफिस जब रहता था बच्ची ऑफिस में काम करती थी। अचानक रात में बोले सो इनको श्रीकांत को कृष्णा को फोन करके आप जाओ जरा जल्दी वहां, बोले कृष्णा जब गए वहां पर डोर खोले बच्चा लटके हुआ है, आजू बाजू सब कपड़े वपड़े भिड़के हुए, कि ऐसा ऐसा सीनियरी ऐसी दिख रही कि ये लड़ाई झगड़ा हुआ ऐसा दिखा, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे का मर्डर हुआ, हमारे को इंसाफ होना बस। तो मेरे को रात में 12:30 बजे फोन आया बच्ची का, अनुष्का अग्रवाल का, फोन करके बोले कि हम दोनों की छोटी फाइट हो गई। फेस टाइम पे उन्होंने बोले कि फांसी डाल ले रहे बोल के, आप एक बार जाके देखो, कहीं को मैं तो घर से नहीं निकल सकती, आप जाके देखो बोल के मेरे को फोन करे 12:30 बजे। मैं जैसे घर के पास आया, नीचे का डोर लॉक था, वॉचमैन को बोला लॉक खोला वॉचमैन, मैं वॉचमैन दोनों ऊपर गए, ऊपर का डोर भी लॉक था, लात मार के तोड़े डोर को, जाके तोड़ते के अंदर जाके जैसे ही देखे बच्चा लटक रहा था, मुंह में तक थूक उग जा रहा था। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले 2-3 बार भी ऐसे ही हुआ था, बच्ची की वजह से ही जितना भी हो रहा था लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे थे, उसकी वजह से उन्हें घर वालों से बात नहीं करना, दोस्तों को सबको दूर करना, किसी से कुछ भी शेयर नहीं करा था। अत्तापुर में रहते हैं इमरोज पटेल, इमरोज पटेल 202 का रहते हैं, 124 140 के पास रहते हैं।